हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सवेरे मॉर्निंग टाइम मैं बना रही थी सब्जी। नन्नू की तबीयत भी ठीक नहीं थी, काम पे भी जाना था, क्योंकि अगर ज़्यादा छुट्टियाँ लेगा तो हमने जाना है, वो मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको पता ही है कहाँ जाना है, तो मैं लगी थी सब्जी बनाने के लिए काम पे जाना था। भिंडी की, भिंडी मैंने काट के रखी हुई थी, प्याज काट रही थी, तड़का लगा रही थी, थोड़ी सी भिंडी बनानी थी, ज़्यादा नहीं है क्योंकि प्रियांश भी नहीं खाता। तो आज बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि हमारा कोई एक सपना पूरा होने जा रहा है, तो वो बताऊंगी मैं आगे जाके। बहुत देर से उड़ीक थी प्रियांश की खुशी की, कंचन की खुशी की। पूरा दिन हो गए हम घूमते घूमते, रात को तो टेंशन नहीं आई थी, टेंशन की वजह से हम पूरा रात सोए नहीं, और सवेरे इतना भी घूमना फिरना पड़ गया कि आपको आगे जाके बताएंगे क्या है। बहुत सालों से ही मेरी रीझ थी वो चीज़ की, कि मैं जब प्रियांश की तरफ देखती थी मेरे को रोना आता था, मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। कि दीपक जी भी चले गए थे, उनकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर छोड़ गए थे, तो मैं चाहती थी कि इनका भी अच्छे से रहें, पर मैं अभी बताना नहीं चाहती। बिल्कुल एंड पे बताऊंगी वीडियो के भी क्या खुशी का था। मैं पूरी सपोर्ट करती हूँ इनको, जो भी सपोर्ट होती है किसी भी चीज़ की, फुल सपोर्ट करती हूँ। दूसरों को सपोर्ट नहीं करती मैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है अकेली है। आपको वीडियो में भी पता चलता होएगा, आप लोग कई मेरे को कमेंट करते हैं कि कंचन को घर नहीं रखती, ऐसे है वैसे, पर आपको नहीं पता भी मैं उसको कितना सपोर्ट करती हूँ। प्रियांश को मैं अपने पास रखती हूँ, ज़्यादातर कंचन भी मेरे पास ही रहती है, पूरा सपोर्ट करती हूँ उनको मैं। जिस पास से आप, कई लोग बोलते थे कंचन घर चलाती है, मेरा घर नहीं चलाती कंचन, जबकि कंचन मैं अपने घर रखती हूँ, मैं खुद खर्चा करती हूँ, रोटी का पानी का सब चीज़ का मैं करती हूँ, मैं उससे नहीं लेती, मैं उससे मांगू कि तू घर चला, खर्चा कर। क्योंकि प्रियांश को ही मेरा खाना पीना पसंद आता है घर में। लो जी मेरी सब्जी भिंडी की बन रही है। मैं भिंडी बना रही थी, आटा गूंद रही थी, मॉर्निंग टाइम था, सवेरे जल्दी जल्दी नन्नू ने जाना होता है, मैं भी अपना काम जल्दी जल्दी करती हूँ। रात को अच्छी तरह नींद नहीं आती, सवेरे मॉर्निंग टाइम नींद आती है, जब 5 बजते तो नींद आनी शुरू हो जाती है, और रात को पूरी रात नींद नहीं आती, कभी उधर पासा लेती हूँ, कभी उधर लेती हूँ, कभी रोने लग जाती हूँ बड़ी बड़ी टेंशन की वजह से, क्योंकि बच्चों की टेंशन माँ को बहुत ज़्यादा होती है। अब मेरी भिंडी भुन गई थी, मैं डालने लगी थी नमक मिर्च हल्दी। नन्नू भी उठ गया था, नन्नू नहाने लग गया था, उठा नहीं जाता सवेरे सवेरे, पता नहीं शरीर ही ऐसे क्या हो गया शरीर को, कि दवाई भी लेती हूँ फिर भी पता नहीं क्या हो जाता है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। अब मेरी भिंडी बन के रेडी हो गई है। आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करा करो, गलत मत कमेंट करा करो। मैं सबके कमेंट का आपको हार्ड भेजती हूँ, जो अच्छे कमेंट होते हैं हार्ड भेजती हूँ। लो जी मेरी भिंडी बन के रेडी हो गई है। जब भी मैं कमेंट खोल के देखती हूँ, काफ़ी बार देखती हूँ मैं, तो जो अच्छे कमेंट होते हैं ना, मैं उनको हार्ड भेज देती हूँ, और जो गलत कमेंट होते हैं उनका तो मैं नहीं सोचती कभी भी, क्योंकि गलत कमेंट वाले हटते नहीं हैं। कभी कह देते हैं तेरी लड़की ऐसी है, तेरी लड़की वैसी है, पता नहीं क्यों लोगों को क्या मिलता है, मेरे को तो ये नहीं समझ आती। अच्छे कमेंट करे, अच्छी शिक्षा मिले। लो जी मैं लगी थी कंबल कुंबल उठाने के लिए, प्रियांश और कंचन चले गए थे रात अपने घर पे, नन्नू और मैं ही थे घर, तो खाना खा के गए नहीं थे रात को वो, तो मैंने थोड़ी सी कद्दू की सब्जी बनाई थी, वो ही पड़ी थी हमने, मैंने रात को नन्नू को, मेरे को तो रोटी अच्छी नहीं लगी थी, नन्नू ने थोड़ी सी रोटी खाई, उसका भी दिल नहीं करा, कि दिमाग के ऊपर इतनी टेंशन पड़ गई बस पूछो ही मत, मैं बता नहीं सकती कि वो टेंशन क्या थी। वो आज
वो सॉल्व होगी। आगे आगे देखी जाना क्या है वो क्या नहीं है, ठीक है। अब कंचन भी चैन से जी सकेगी। और प्रियांश भी, मैं प्रियांश को ये नहीं कहती भाई तू घर से भाग जा या कैसे है, ठीक है। प्रियांश को मैं अपने पास रखती हूँ, जहाँ दिल करता उसका, जहाँ वो खुश है मैं उसको बोल देती हूँ वहीं रहता है। जहाँ बच्चे का दिल खुश है, जहाँ रहना चाहता है वहीं रह लेता है। क्योंकि अगर बच्चे को हम बोले जाएंगे जा तू अपनी मम्मा के पास जा, इधर नहीं रहना, तो बच्चे के दिमाग पे ना गलत असर पड़ता है। आप लोग भी बोलते हैं कि वो अपनी मम्मी के पास रहे, हम खुद बोलते हैं कि वो अपनी मम्मी के पास रहे। अगर हम उसको बार बार बोलेंगे कि तू जा भाई अपने घर जा, अपनी मम्मी के पास जा, उसके दिल पे क्या बीतेगी बेचारे का। देखो जो दाद का परिवार है वो भी प्यार नहीं करता, मैं खुद बोलती हूँ कि वो भी प्यार नहीं करते, उससे बात नहीं करते, उसको मिलने नहीं आते। अगर मैं भी नान का परिवार भी ऐसे दुत्कार दे तो बच्चे के दिमाग ऊपर क्या जाएगी। मैं सबसे ज़्यादा प्रांश को प्यार करती हूँ, जीनू को, कि इसके दिल पे ना लगे कि मेरे डैडी नहीं है, मेरे पापा नहीं है और मेरे से कोई प्यार नहीं करता। इसकी वजह से मैंने मलेशिया छोड़ा था, इसने मुझे दोबारा जाने नहीं दिया था। मैं गई आ गई थी पर मेरा दिल कर रहा था कि मैं वापस चली जाऊँ मलेशिया। पर जब मैंने प्रियांश का प्यार देखा, प्रियांश को मैं प्यार करती थी, प्रियांश मुझे प्यार करता था, हम एक दूसरे खेड़ते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, तो इसने मेरे को जाने नहीं दिया था। तब से प्रियांश ठीक हो गया था, तब जब से मैं आई थी वो कहता था मैंने तेरे को जाने नहीं देना मम्मी। तो मैं उसके बाद मैंने भूल गई थी कि मैं मलेशिया कभी जाऊँगी। जितनी मर्जी और पढ़ लूँ मैं, मुसीबत में पड़ जाऊँ, पर मैं, मुझे पता है मेरे को इधर काम नहीं मिलता तो उधर मेरे को काम ज़रूर मिलेगा। मेरी जान पहचान है कि मैं चली जाऊँ, पर नहीं। जब मैं प्रियांश को देखती हूँ ना, मेरा दिल फिर बदल जाता है कि मैंने नहीं जाना इसको छोड़ के। नन्नू को तो चल मैं कंचन के पास छोड़ जाती, पर जो प्रियांश है वो मेरे बगैर नहीं रहता। प्रयास में उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हम दोनों रात को खेलते हैं, मस्तियाँ करते हैं, क्योंकि बच्चे को खेलना, कोई बोलने वाला होए, खेलने वाला होए, तो बच्चे का ऑटोमेटिक दिल लगता है। ये नहीं कहती कि कंचन इसके साथ नहीं खेलती, कंचन के साथ ये खेलता ही नहीं है, वो मेरे साथ ही मस्तियाँ करता है। रात को आप काफ़ी बार वीडियो में देखा होएगा कि मेरे साथ वो कैसे मस्तियाँ करता है। अब आगे अपने आँख की दवाई, जिससे उसका थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। माता रानी बाबा जी को मैं यही बोलती हूँ कि उसको अच्छे से जल्दी से प्रियांश को जल्दी जल्दी ठीक करे, प्रियांश ठीक हो जाए, जो अस्थमे की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। तो जब वो खांसी उठती है उसको, उससे बर्दाश्त नहीं होती, हम लोग को देख के हमारा दिल फूफू हो जाता है कि कितनी खांसी उठती थी उसको, रात पूरी रात रात सोता नहीं था। हाँ वो ठीक रहता है, जब प्रियांश चला जाता मेरा दिल नहीं लगता। रात को चला गया था तो सुबह ही मॉर्निंग टाइम आ गया, एक सिर्फ रात काटने के लिए गया था, वो भी मैंने ज़बरदस्ती भेजा था, ये अकेली सोएगी, अकेली कैसे रहेगी, इसलिए मैं उसको भेजती हूँ। अब लगी थी मैं अचार, मैंने कल वाले वीडियो में बोला था कि मैं अचार डालना है। मैं मॉर्निंग टाइम उठी, पहले मैं थोड़ा सा काम करा, फिर मेरा, मैंने मिर्चें रखी हुई थी धो के, मैंने सोचा भी चला सवेरे सवेरे पहला यही काम ख़त्म करूं कि मिर्चें मैं काट के रख लूं, काट दूँ। वो डंडियां तोड़ दी थी मैंने, अचार मेरे बिल्कुल मिर्च का ख़त्म हो गया था, डंडियां तोड़ के फिर मैं उसको बीच में से चीरा लगाया, चीरा लगा के फिर मैंने थोड़ी देर ऐसे फिर रखा भी कहीं इसमें पानी ना थोड़ा बहुत भी रह जाए, नहीं तो मेरा अचार ख़त्म हो जाएगा। नन्नू को ना मिर्च का अचार बहुत ज़्यादा पसंद है, सबको पसंद आता है मिर्च का अचार। कौन कौन खाता है मिर्च का अचार आज कमेंट में बताना, ये भी बताना कि अचार मेरा सही डाला मैंने कि गलत डाला।
तो जो लाल लाल मिर्च थी ना वो मैंने पूरी अचार में डाल दी। जो हरी मिर्चें थी थोड़ी सी मैंने सब्ज़ी के लिए रख ली, मैं सब्ज़ी में हरी मिर्च डालती हूँ। और मैंने फिर राई मंगवाई दुकान से, थोड़ी सी राई मंगवाई, और मसाला था मेरे पास में, हल्दी थी और नमक था। और तो मैं ज़्यादा कुछ मिर्चों में डालती नहीं हूँ, मिर्च पक भी जल्दी जाती है। जो आजकल इतनी गर्मी पड़ती है, ऊपर से मैं सरसों का तेल डाल देती हूँ, इतनी गर्मी पड़ती है कि मिर्च 2-3 दिन में रेडी हो जाती है, तैयार हो जाता अचार। तो मैं लगी थी काटने के लिए, मिर्च कट गई, मेरी मिर्च भी कट गई। फिर मैं डालूँगी इसको, इसमें हरी मिर्च, वो हरी मिर्च नहीं सॉरी, मसाला, हल्दी, नमक। मसाला तो वो मेरा मिक्स था, मैंने घर पीसा था, धनिया, सूखा धनिया था, जीरा था उसमें, और खड़े मसाले थे थोड़े से, वो थोड़ा सा मैंने आधा चम्मच ऊपर से डाला कि थोड़ी सी मिर्चों में खुशबू हो जाए मसाले की। वो मैंने घर पीस के रखा हुआ। और कंचन कब तक अकेली रहेगी, है ना, आप लोग सोचते नहीं हैं उसके बारे में भी, वो कब तक अकेली रहेगी, क्या उसका फ्यूचर रहेगा, कैसे वो अपना घर करेगी, कैसे वो शादी करेगी, है ना, कैसे घर चलाएगी। तो आप लोग सोच के देखो कि अकेली लड़की क्या कर सकती है। लो जी मेरा अचार, अब मैंने अचार में मिर्च में डाल दी राई, कैमरा मेरा ऊपर हो गया था, उसके बाद नमक, मिर्च, हल्दी डाल दूँगी, ऊपर से डाल दूँगी तेल सरसों का, डिब्बा मैंने धो के रखा था साफ़ करके, और डिब्बे में डाल दूँगी। आप लोग मेरे को बहुत अच्छा प्यार देते हो, कल की वीडियो पे तो बिल्कुल कम दिया, जैसे पहले सपोर्ट करते थे वैसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। जिसने मेरा चैनल नए बने हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा होगा, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना, गलत कमेंट में फिर बोलती हूँ कि गलत कमेंट मत करा करो। और जिसने बहन ने मेरे को कढ़ाई भेजनी थी, पता नहीं क्या हो गया, उसने कढ़ाई नहीं भेजनी, क्योंकि जब मन्नत पूरी होती है, मैं बार बार बोलती हूँ जिसकी मन्नत पूरी होती है वो कढ़ाई भेज दिया करो, ठीक है। लो जी मेरा मान के अचार रेडी हो गया, इसको रखूँगी धूप में। आपको कैसा लगा मेरा अचार, खोल के मैंने दिखाया था। और मैं लगी थी बेड बुड साफ़ करने के लिए, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, तो खुशी से मैंने कमरा भी चमका दिया, बेड शीटे अच्छी तरह बदल दी, और मैंने सफाई सफुई भी अच्छी तरह करनी है। मैंने पहले करी थी मिर्चों का अचार का काम, फिर मैंने सफाई करी। ऊपर से मेरी माँ का भी आज फ़ोन आ गया था, मेरी भाभी ने फ़ोन किया था, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, शुगर बढ़ गई थी उसकी ज़्यादा, स्कैश वगैरह पी लिया था, गर्मी ज़्यादा है, स्कैश पीना भी ज़रूरी है सेहत के लिए, तो उनका फ़ोन आ गया था। खुशी खुशी में मेरा ये काम हो गया कि मेरी माँ का फ़ोन आ गया तो उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जाना तो था पर मैं जा नहीं पाई, क्योंकि मैंने कंचन का काम करना मेरा ज़रूरी था, इस वजह से मैं जा नहीं पाई। अभी देखूँगी अगर टाइम मिलेगा 1-2 दिन में तो जाऊँगी, नहीं तो अभी तक तो मैं बिजी हूँ, 1-2 दिन तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, जब तक कंचन का पूरा क्लियर नहीं हो जाएगा काम तो मैं नहीं जा पाऊँगी। तो मैंने मेरी फ़ोन पे ही बात हो गई थी, मैंने फ़ोन पे ही हालचाल पूछ लिया था, मैं क्या मैं आ नहीं सकती, उनको मैंने अपनी मजबूरी बता दी थी कि मेरी ये मजबूरी है मैं आ नहीं सकती फ़ोन पे। तो मेरी भतीजी आई हुई थी तो मैंने कहा मैं नहीं आ सकती, चलो कोई बात नहीं, वो आए हुए, कल उनके मेला भी था, मेरे से बुलाया भी था कि बाबा जी का मेला है तो आ जा, क्योंकि मैं मेरा घर में रहना ज़रूरी था इसलिए मैं जा नहीं पाई। मैं उनको भी सॉरी बोलती हूँ कि मैं नहीं आ पाई, तो मैं कोई बात नहीं, मैं आऊँगी ज़रूर 1-2 दिन में पता लेने के लिए, गर्मी भी बहुत ज़्यादा, जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, दूर भी इतनी है कि जाया नहीं जाता, नन्नू की छुट्टी नहीं होती, क्योंकि बाइक पे मैं जा सकती हूँ, बस में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि मेरा बीपी भी बढ़ जाता है, मेरा भी मैं भी बीमार ही रहती हूँ ज़्यादातर, बीपी बढ़ जाता है, इस वजह से मैं नहीं जा पा रही। तो अभी अभी फ़ोन आया था मेरे पास में भी, ऐसे हो गया था, ऐसे हो गया था, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, शुगर भी बढ़ जाती है,
बहुत ज़्यादा उनके कोई ना कोई बीमारी भी हो जाती है, कुछ ना कुछ जब टेस्ट कराते हैं कुछ ना कुछ निकलवाता है, शुगर ही बहुत ज़्यादा है उनके। उनके चोट लगी थी वैसे तो वो ठीक है, अभी चल फिर दे सकते हैं। मेरे घर भी आए थे, 2-3 दिन मेरे घर भी रह के गए हैं, तो कोई बात नहीं, मैं जाऊंगी पता लेने के लिए, आऊंगी मैं ज़रूर। उनको थोड़ा सा ऊँची सुनता है फ़ोन पे, उनको अच्छी तरह पता नहीं चलता। जब तक माँ बाप होते हैं, माँ बाप ही हैं, पेका तब तक ही होता है, क्योंकि भाई होते हैं फिर भी पेका होता है, जब माँ और भाई चले जाएं फिर पेका समझ लो एक तरह का ख़त्म हो जाता है। तो पता नहीं क्यों मेरे दिल में भी ऐसा ही रहती है। आज मेरे से जब फ़ोन पे बात हुई, उसने मेरे से बोला कि अब मैं नहीं बचना, क्योंकि वो ठीक बिल्कुल भी नहीं रहती, तो मेरा भी दिल थोड़ा सा ऐसा ही हो गया। नहीं तो आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था, एंड पे पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि मेरा भतीजा था वो जवान चला गया था, आपको पता ही है। जब से वो गया है तब से वो मेरी माँ ज़्यादा बीमार रहने लगी, उसकी टेंशन लेती रहती है, उसकी टेंशन लेती, पहले बेटों की टेंशन लेती थी, बेटे चले गए थे, 2-2 बेटे थे, अब पोते की टेंशन लेती है, टेंशन ले ले के बीमार पड़ जाती है। बहुत समझाते हैं, जो चले जाते हैं वो वापस नहीं आती, वो सारा दिन याद करती है, याद कर करके रोती रहती है। जब मेरे पास फ़ोन आया तो मेरा भी दिल ख़राब हो गया, कल भी मेरा इतना मन ख़राब हो गया था, एक गाना था जो बुआ वाला मैंने कल वाली वीडियो पे बोला था, पता नहीं मेरे मन में क्या हो गया था। आज फिर मेरे को शाम का फ़ोन आया, दिल तो करता था अभी चला जाऊँ, अभी चली जाऊँ, पर मजबूरी थी कि थोड़ा मुझे काम है 2-3 दिन के लिए, तो मैं जा नहीं पाऊँगी। ऊपर से मैंने जाना था नीलम के घर, अभी तक तो वैसे मैंने अभी तैयारी नहीं करी है, वो एट ओ टाइम ही मेरी तैयारी होएगी। लो जी मेरा काम भी हो गया, लगी थी पोचा लगाने के लिए, मैं क्या पोचा लगा दूँ, कभी लाइट चली जाती है कभी आ जाती है, गर्मी का मौसम है, एक बार सफाई कर लेते ठंडा रहता है, फिर अंदर से एसी चला लेते थोड़ा बहुत और ठंडा रहता है। मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है क्योंकि मेरे पहले नागे पड़ गए थे, मैंने डाली नहीं थी पहले स्टार्टिंग में 2-4 तरीकों में, इसलिए मैं थोड़ी सी वीडियो लंबी डाल देती हूँ। जो मेरे मुझे सपोर्ट करते हैं थोड़ा सा प्यार दिखा दिया करो, सपोर्ट कर दिया करो, जो थोड़ी भी वीडियो देखनी और लंबी भी देख लेनी, और मेरी वीडियो ज़रूर देख लिया करो। घर का काम ही दिखाना मैंने, कहीं जाती तो नहीं है मैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, कहीं जाऊँ आऊँगी तो दिखाऊँगी आपको भी कहाँ जा रही हूँ मैं कहाँ नहीं जा रही, क्योंकि मेरा बीपी बढ़ जाता जल्दी से, मैं जाती नहीं हूँ, गर्मी ज़्यादा इसलिए मैं नाइट सूट डालती हूँ। आप बोलोगे आंटी जी आप नाइट सूट डालते हो, है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है, सूट डाला ही नहीं जाता रात को, रात को सवेरे मॉर्निंग टाइम। आज तो मैंने मंदिर की पूजा भी थोड़ी सी लेट करी थी, बाबा जी को भी भोग आज लेट लगाया था, मेरा मूड भी सही नहीं था, सवेरे रात को नींद नहीं आई थी, सवेरे मॉर्निंग टाइम मेरा मूड भी सही नहीं था, आज बाबा जी का भोग भी थोड़ा लेट लगाया था, जोत भी माता जी की थोड़ी लेट करी थी मैंने। तो जब भी मैं जोत करती हूँ सब लोग अरदास लगा दिया करो, सबकी अरदास पूरी करती है माता रानी, ये नहीं है किसी की नहीं करती, सबकी अरदास पूरी होती है, चाहे थोड़ा देर से होए चाहे जल्दी से होए, जब भी सुनती है माता रानी ज़रूर सुनती है, अरदास लगा दिया करो। जब अरदास लगाती हो जिसकी भी मनोकामना पूरी होती है वो कढ़ाई भेज दिया करो। एक 2 बहन जी की अरदास पूरी हुई थी, उन्होंने मेरे को कढ़ाई अभी तक नहीं भेजी, मेरा फ़ोन नंबर भी लिया था, मेरे से बात भी करी थी। तो देखो मंगलवार तक आप लोग कढ़ाई भेज देना मेरी, मंगलवार को मैं कढ़ाई करती हूँ, भोग लगवाती हूँ, तो इस वजह से मैं बोल देती हूँ कि सबको पता चल जाए कि अरदास सबकी पूरी होती है। कढ़ाई का मैं इसलिए बोलती हूँ कि सबको पता चले कि माता रानी सबकी सुनती है, जिनकी सुनती है वो मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा ये अरदास हमारी पूरी हुई है। मेरे को कहाँ से कढ़ाई आई थी, 2 कढ़ाई आई थी वो बाहर से, वो मैं नाम भूल गई उनका, कि मेरे को उन्होंने इतनी दूर से कढ़ाई भेजी थी, कितनी दूर से अरदास लगाई थी माता रानी ने, कितनी दूर से उनकी सुनी, आँखें बंद करके अरदास लगाई थी, जय माता लिखी थी। तो वो माता रानी को मैं अरदास जब जय माता लिखते हैं तो मैं सबको बोल सबकी अरदास बोलती हूँ, माता रानी सबकी अरदास पूरी कर दे, जो भी मनोकामना होती है। लो जी दर्शन कर लो।